वो कहते हैं ना, कोई काम बीच से चालू करोगे तो आधा दूर समझ आएगा, इसलिए पार्ट वन देखो पहले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग कैब में, निशान मेरे साथ है और चिराग भी है। सो अभी गाइस हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और अभी पता नहीं क्या सियापा होगा। सो वहाँ पे देखते जाके कुछ बात बात करके कुछ सेटिंग होता है या फिर अपने को जनरल में ही जाना पड़ेगा। और जनरल का आपको बताऊँगा, मतलब मैं दिखाऊँगा वो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या क्या हो सकता है पता है मेरे को। सो बस सामान का डर है। और अभी चिराग नया फ़ोन ले लिया है गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ भाई। चिराग भाई कितने खुश हो भाई, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी बहुत फन होने वाला है, देखते हैं जनरल में क्या फन मिलता है। बस बैठने का जगह मिल जाए तो रात कट जाए। सो लेट्स सी क्या होता है, चलिए अब स्टेशन में मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग कैब से उतर गए और ये आदमी कैब का 350 रुपया में बुक किया है कैब को भाई। सही में भाई, जनरल का टिकट का दाम इतना नहीं होगा। सो गाइस अभी हम लोग कोलकाता वाले उसमें आ गए हैं। सो गाइस अभी हम लोग करंट रिजर्वेशन कम ऑटो रिफंड होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला, क्या बोला? ऑटो रिफंड हो जाएगा। तो अभी जनरल में कटाना पड़ेगा, जनरल कहाँ से कटाएंगे? अच्छा चलो। सो गाइस आखिर में अब जनरल में हम लोग को कटाना पड़ेगा टिकट फाइनली। सो लेट्स सी क्या रहता है सीन। जनरल में जाना होगा गाइस। अभी आप देख सकते हैं निशांत को आ रहा है और ये ऐसा लग रहा है माउंटेन ट्रिप भी हो जा रहा है भाई। और ये गाना सुन रहा है भाई और सबको धक्का दुक्की कर रहा है। गाइस जनरल का है, ऐसे हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग को बैठने का जगह तो मिल जाएगा, बट बाबा बुला लिए हैं तो अब खड़ा होके जाना पड़े तो खड़ा होके भी जाएंगे। अभी हम लोग जनरल में हैं और जनरल पूरा ही खाली है, बोगी सिर्फ कुछ लोग हैं यहाँ पे, बाकी सब पूरा ही खाली है, देख सकते हैं आप। सो अभी अंधेरा है बट लाइट वाइट चालू हो जाएगा, पंखा वंखा सब। सो यहाँ पे अभी हम लोग अपना लगेज वगैरह सब रख दिए हैं और यहीं पे वो है भाई, खाली पड़ा है अपना तो सही हो गया भाई, सो जाएंगे सुरात में आराम से। सही है गाइस, तो मजा आ जाएगा। ये वॉशरूम वॉशरूम सब ठीक है, मतलब ठीक है गाइस, अपना सही काम हो ही गया, मजा आ ही गया। आप देखते निशान कितना स्माइल कर रहा है क्योंकि उसको बैठने का जगह मिल गया है और अभी लाइट वाइट भी सब जल मल गया है। और चिराग तो नया फोन के साथ इतना टाइम स्पेंड करे जैसे उसकी बंदी मिल गई हो उसको। सो गाइस अभी हम लोग को जगह वगैरह मिल गया है। सो हम लोग बेसिकली हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सो के जा सकते हैं। सो ऐसा कोई सीन नहीं है अभी, और फिलहाल भाई हम लोग कार्ड वर्ड कुछ लेके नहीं आए तो रात का मनोरंजन हम लोग लूडो से करेंगे। अभी लूडो डाउनलोड कर रहा होगा, कर लिया क्या भाई? सही है सही है सही है। गाइस यहाँ पे देखिए चिराग के सब बंदर लोग की वजह से यहाँ पे चेन नहीं खींचने वाला नहीं रखा। अभी जा रहे हैं ना, बात करता हूँ। तो बाबा बुला रहा है भाई। भाई बचपन में याद है हम लोग, बचपन में ऊपर बैठा है तुम भाई, बैठे थे जब भी बैठे थे मन करता था। हाँ हाँ भाई, मन करता घींच देंगे, बोलेंगे हम तो नहीं खींचा भाई, हम तो सो रहा था। तेरे मन में भी आया भाई ऐसा कभी? तुम शायद तुम तो घींच देता होगा, तू सोचता नहीं होगा, घींच देता होगा। अपना बोगी से नहीं खींचेगा, दूसरा का। हाँ दूसरा का बोगी से खींच देगा भाई, ज्यादा स्मार्ट है ना, ये पैदाइशी आराम आदमी है गाइस। सो गाइस ठीक है, अब ट्रेन चलते हैं, उसके बाद अपने मिलते हैं। गाइस अभी निशान को ये दिखा नहीं, मेरे को अभी ये दिखा कि ये नया मॉडर्न हो चुका है गाइस। सो अब ये नया सिस्टम है, इसको तो दबाने का मन करेगा ही करेगा भाई, इसको तो करेगा ही करेगा। चेन वाला से फिर भी डर लगता था भाई, चेन वाला कोई रिजेंबल करता है ना भाई, चेन वाला कोई रिजेंबल करता है भाई, क्या रिजेंबल करता है चेन वाला, वो ऐसा ऐसा गोल ऐसा रहता है ऐसा ऐसा। समझदार डार्क जोक्स। ट्रेन चलने लग गया है
एंड कोलकाता बाय बाय, वाराणसी हाय हाय। सो गाइस ट्रेन बहुत ही स्पीड में चलने लग गया है और ये भैया भी बाय बोल रहे हैं। और ऐसे ही जिंदगी के कुछ डिब्बों को आपको छोड़ना होता है। ओके गाइस बाय बाय। गाइस रात का 12 बजे और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। फाइनली हम लोग को चाय मिल गया एकदम। चाय कैसा है भाई? बढ़िया। तेरा बता भाई, तेरे को तो हर चीज बढ़िया लगता है। ओके गाइस साइनिंग ऑफ। चाय बनवा लेते हैं भाई सुबह सुबह। गया आ गया गाइस, गया आ गया। हम लोग अभी 3-4 घंटे में वाराणसी पहुंचने वाले हैं गाइस। और ये लोग दोनों सो रहा था कब से और हम जगा हुआ है रात भर पैदारी कर रहे हैं अपना सामान का। कितना झूठ बोले क्या बोल रहे हैं अपनी जगह रात में 2 मिनट भाई जगह भाई 4 घंटा में जगा, मजाक मत कर। सो गाइस अभी गया आ गया और अभी भीड़ होने वाला है, अब किसी को सोने का मौका नहीं मिलेगा भाई। किसको क्या बात बात कर रहा है भाई ऐसा? हाँ एकदम मशगूल हो रखा है चिराग। सो गाइस भाई भूख भी लग रहा थोड़ा थोड़ा, नहीं क्या? देखो अभी उतर के देख, कुछ कचौड़ी सभी टाइप मिल जाए तो मजा आ जाएगा। नहीं क्या खाएगा तुम भाई विमल को छोड़ के? इसे बॉयज वाला भीम डाल लेंगे, बॉयज वाला। ओके गाइस गया में बहुत भीड़ लग रहा है तो मुझे फोन अंदर रखना पड़ेगा, फोन चोरी हो सकता है कभी भी। So guys, आ गए हम लोग महादेव की नगरी पे। और चिराग कैसा लग रहा है? हर महादेव बोल बाम बोल बाम बोल अरे। सो गाइस अभी हम लोग वाराणसी पहुंच गए हैं। अब आपको डे 1 पता चलेगा कि हम लोग कौन सा होटल में रहते हैं, क्या रेट रहता है होटल का और कैसे सब कुछ करते हैं। डे 1 में क्या करेंगे, डे 2 में क्या करेंगे, आपको वीडियोस अब अलग अलग मिलेंगे। सो अभी ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और सेकंड ये व्लॉग भी आपको पता है मेरे को पसंद आया होगा, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और निशांत के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो और एक बंदी ढूंढो निशांत के लिए।